the previous video, we were discuss about the introduction of the computer, IPO cycle and some examples of input devices in detail. यानि कुछ input devices के examples के बारे में हम लोगों ने detail में study किया था. उसमें हमने input उसमें हम लोगों ने keyboard के बारे में पढ़ा था, mouse के बारे में पढ़ा था और scanner के बारे में पढ़ा था. Then our next example, that is digital camera. A digital camera is used to capture photographs. Digital camera का use हम लोग photographs को capture करने के लिए करते हैं. We can store the clicked photograph on a computer for viewing or printing them later. यानि जितने भी हम लोगों ने photographs लिए हैं digital camera की help से, उन photographs को हम लोग store करके भी computer में रख सकते हैं. या फिर अगर हम लोगों को बाद में अगर ये फोटोज़ देखने हैं तो कंप्यूटर में देख सकते हैं, या फिर अगर हमें कंप्यूटर से वो फ़ोटो प्रिंट करने हैं तो हम बाद में भी उन फ़ोटोज़ को प्रिंट कर सकते हैं. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेसिंग डेटा. CPU is used to process the data. किसी भी data को process करने के लिए CPU का use किया जाता है. It has three main parts. इसके three main parts हैं. First, ALU. ALU is stand for arithmetic and logic unit. Second, CU. CU is stand for the control unit. Then third, MU, yani memory unit. Then first, arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit of the computer is used to do all the arithmetic calculation and टू कंपेयर नंबर. यानि कंप्यूटर में कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए या नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग ALU यानि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का यूज़ करते हैं. इट कैन ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड नंबर्स. यानि इसकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं. इट कैन कंपेयर numbers to find if a number is equals to, greater than or lesser than the other number. इसकी help से हम लोग computer में कोई भी number को find out कर सकते हैं कि कोई number equal है या greater है या smaller है. ये हम लोग ALU की help से पता कर सकते हैं, यानी arithmetic and logic unit की help से पता कर सकते हैं. Then second, control unit. Control unit controls and manage the flow of information between different part of a computer. यानि computer के different parts में, यानि जितने भी अलग अलग parts हैं उसमें information के flow को control और manage कर सकते हैं हम लोग control unit को use करके. Then third, register और memory unit. Register और memory unit stores all the data that is to be processed. यानि मेमोरी यूनिट में जितना भी जो डाटा हम लोग प्रोसेस करते हैं वो पूरा जिस मेमोरी में स्टोर होता है उस यूनिट को हम लोग कहते हैं मेमोरी यूनिट. इट हेल्प्स द ALU टू ईजीली एक्सेस और ऑप्टेन ऑल द डेटा इट नीडेड टू परफॉर्म कैलकुलेशन. यानि कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ALU को, तो हमारा मेमोरी यूनिट से वो पूरी स्टोरेज जितनी भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, अगर ALU को ज़रूरत है कैलकुलेशन करने के लिए तो हम मेमोरी यूनिट उससे वो चीज़ मिल जाती है. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरेज डिवाइसेस. A computer has a very good memory. Computer में बहुत सारी memory है and can store large amount of information. और computer की memory में हम लोग large यानी बहुत सारा amount information का store करके रख सकते हैं. Hard disk are the largest storage device used in most computer. यानि hard disk एक बहुत ही largest storage device है जो computer में हम लोग most of the time use करते हैं. When we save information on a computer, it gets stored on the hard disk. अगर हम लोग कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाती है. A part of a hard disk, computers use CDs, DVDs and pen drives to store information. और हार्ड डिस्क के अलावा हम लोग कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को स्टोर करनी है तो हम लोग CDs, DVDs and pen drives का यूज़ करते हैं.
यानी CDs, DVDs और पेन ड्राइव में भी हम लोग जितनी इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करनी है तो उसमें हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. देन अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आउटपुट डिवाइसेस. देन हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. फर्स्ट एग्जाम्पल मॉनिटर. मॉनिटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस. मॉनिटर एक हमारा इनपुट डिवाइस है यानी आउटपुट डिवाइस है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले डिस्क डिस्प्ले यूनिट. यानी मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी कहते हैं. वीडियो इज स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले यूनिट. देर आर टू टाइप ऑफ मॉनिटर. टू टाइप के मॉनिटर्स हैं. फर्स्ट है हमारा TFT और सेकेंड है CRT. TFT इज स्टैंड फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर. सेकेंड CRT. CRT इज स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब. देन अवर सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज प्रिंटर. अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रिंट इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूटर में है कंप्यूटर से उसे किसी भी पेपर पर प्रिंट कर सकती है. द शीट ऑफ पेपर विद द प्रिंटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ प्रिंटआउट. जो कोई भी शीट जो हम लोगों ने कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन जितनी भी कंप्यूटर में है उसको हम लोगों ने प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट किया और पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पेपर पर आ गई जो शीट पर आ गई उस प्रिंटआउट उसको हम लोग कहते हैं उस शीट को हम लोग कहते हैं प्रिंटआउट. द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर. यानी अभी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग प्रिंटर यूज़ करते हैं वो है हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर. देन अवर नेक्स्ट एग्जांपल स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. स्पीकर्स एंड हेडफोन्स हेल्प अस लिसन टू द साउंड कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर. यानी स्पीकर और हेडफोन्स की हेल्प से जो कंप्यूटर में साउंड होता है उसे हम लोग सुन सकते हैं. व्हेन वी वांट To listen to the music on a computer loudly, we use speakers. अगर हमको तेज आवाज़ में साउंड सुनना है या म्यूजिक सुनने हैं तो हम लोग स्पीकर का यूज़ करते हैं. To listen to the music without disturbing anyone around. अगर हमको किसी और के बिना डिस्टर्बिंग के या बिना किसी डिस्टर्बेंस के हमको साउंड सुनना है तो हम लोग हेडफोन्स यूज़ करते हैं. Then students, इस लेसन से रिलेटेड और जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे.